हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं, हम 3ds मैक्स में जो आपकी हाई पोली वाली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे लो पोली में, ताकि आपका सिस्टम हैंग ना हो और आप इजीली काफ़ी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को आप अपने कंप्यूटर में और अपने 3ds मैक्स में यूज़ कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब एक अपना एक ऑब्जेक्ट लेने वाला हूँ हाई पॉली के लिए। मैं एक यहाँ पे फॉलोअर्स पे जाके एक ट्री ले लेता हूँ, बाहर के कंपोनेंट इसके बाद लेके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ इस ट्री के अंदर अभी कितने पॉलीगन्स हैं ऑलरेडी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लस आइकन पे क्लिक करके कॉन्फिगर व्यू पॉर्ट पे जाएं और यहां से ट्रायंगल काउंट और सबको ऑन करें, इसको टोटल प्लस सिलेक्शन को ऑन करें, शो स्टैटिक्स को ऑन करो। इसके बारे में डेडिकेटली वीडियो इससे पहले वाली मैं आपको बना के बता चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। आप अप्लाई करें ओके, तो आपको यहाँ पे पॉलीगन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो अराउंड 89,000 के आसपास इसके अंदर पॉलीगन्स हैं। अब इसको कम करने के लिए मुझे क्या करना है, आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वीरे मैश एक्सपोर्ट, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा वीरे मैश एक्सपोर्ट और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज पे क्लिक नहीं होगा, तो आप इसको क्लिक करें एंड फेसिस इन प्रीव्यू में जाके ये बाई डिफॉल्ट आपका 100 होगा। आप इसे कितने परसेंट तक लो करना चाहते हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 20% मैं इसको करना चाहता हूँ कि मैं 100% है तो मैं 20% तक इसे रखना चाहता हूँ, मतलब 80% तक मैं इसे कम कर देना चाहता हूँ। तो अगर मैं अब इसे ओके करता हूँ, अब ओके करने के बाद अब आप अपनी पॉली देखोगे तो 90,000 से 80% कम हो गए, तो 10,000 के अराउंड आपके यहाँ पे पॉलीगन्स हो गए। बट इसका आपके रेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर आप मैं एक और यही वाला ट्री लेता हूँ, अब मेरे पास दोनों ही ट्री आ गए यहाँ पे। अगर मैं इसका रेंडर करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक डोम लाइट लगा देता हूँ और नॉर्मल यहाँ पे जाके और मैं एक रेंडर करके दिखाता हूँ। तो अब आप दोनों के रेंडर देखोगे, रेंडर एज इट इज है, रेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं है। सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है ये लो पोली हो गया, इसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा और स्मूथली आप उस पर काम कर पाओगे। ये तो हो गया ट्री की बात। अब मैं एक इम्पोर्ट करता हूँ, मान लो मैं यहाँ से इम्पोर्ट मर्ज करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट इम्पोर्ट मर्ज, मर्ज पे जाके मैं कुछ भी डाउनलोड से जाके एक बेड को यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ ओपन। ये आप यहाँ पे देखोगे ये आपका बेड आ गया यहाँ पे, क्लियर है। अब इस बेड को हम लो पोली में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए अभी मैं कंप्लीट बेड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो अराउंड 9 लाख के आसपास इसके अंदर पॉलीज हैं। तो मैं इसको वही सेम सिस्टम राइट क्लिक करना है, वीरे मैश एक्सपोर्ट पे जाना है और आप इसे ऑटोमेटिकली क्रिएट और 20% तक कर देता हूँ एंड ओके कर देना है। अब देखोगे आप यहाँ पे जैसे ये कन्वर्ट होता है तो इसके अराउंड 1,43,000 हो गए, कोई 9.5 लाख से 1.5 लाख पे आपका आ गया। तो आप देख सकते हो कितने पॉलीज इसके रिड्यूस हुए हैं। अब मैं इसको रखता हूँ साइड में और इसी की दूसरी फाइल को इंपोर्ट करता हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा पाऊँ। अब ये आपका जो हाई पॉली में है बेड, वो लो पॉली में है। दोनों का अगर मैं रेंडर करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के पॉली में। जो अगर इसका रेंडर आएगा वो एज इट इज रेंडर आएगा, बट इसको करने से क्या हुआ, आपका सिस्टम स्लो होना बंद हो गया और आप बिल्कुल हाई पॉली को भी इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसको आप एज ए प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हो और लो पॉली में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।